दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल कैथेटराइजेशन की कि फीमेल पेशेंट में कैथेटर कैसे इंसर्ट किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और फीमेल कैथेटराइजेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और पूरा प्रोसीजर जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन इज़ द स्टैंडर्ड मैथड ऑफ एसेसिंग द यूरिनरी ब्लैडर। ऐसा प्रोसेस जिसमें कैथेटर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कैथेटराइजेशन कहते हैं। कैथेटराइजेशन क्यों किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, ऐसे पेशेंट जिनका अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता है। मॉनिटरिंग ऑफ यूरिन आउटपुट आफ्टर सर्जरी, हमें कई बार यूरिन आउटपुट मेजर करना होता है। कलेक्शन ऑफ स्टराइल यूरिन फॉर कल्चर, ब्लैडर इरिगेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन पैरालाइज्ड पेशेंट में, और ऐसे पेशेंट जिसमें स्पाइनल इंजरी हो गई रहती है उन्हें हम कैथेटराइज करते हैं। अब बात आती है इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टाइल ड्रेप्स चाहिए होते हैं, ग्लव्स चाहिए होता है और स्वैब्स चाहिए होते हैं, और क्लीन करने के लिए प्रोविडिन आयोडीन चाहिए होता है। एरिया सेंसिटाइज करने के लिए हमें वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट लिडोकाइन जेली का हम यूज़ करते हैं। और फीमेल में जो एप्रोप्रिएट साइज़ का कैथेटर होता है वो 16 फ्रेंच होता है मोस्टली, और हमें यूरोबैग चाहिए होता है और 10 ml की सिरिंज चाहिए होती है हमें बलून इन्फ्लेट करने के लिए। दोस्तों, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक स्टराइल प्रोसीजर है। बी श्योर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टराइल टेक्निक ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें पेशेंट का कंसेंट लेना चाहिए और पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले हम फीमेल को डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन देंगे विथ नी फ्लेक्स्ड, और सारे इक्विपमेंट्स को अनकंटामिनेटेड स्टराइल फील्ड मतलब बेड साइड ट्रे में रखेंगे। एंड मेंटेन प्राइवेसी, पुट स्टराइल ड्रेप्स, अप्लाई लुब्रिकेंट 2% जैलोकिन जेली अबाउट 2.5 to 5 cm और 2 in टू द टिप ऑफ कैथेटर। नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करते हुए हमें लेबिया को स्प्रेड करना है और यूरेथ्रल मीटर्स को एक्सपोज करना है। याद रखें कि ये हाथ अब आपका कंटामिनेटेड हो चुका है, इस हाथ से आपको किसी भी इक्विपमेंट को टच नहीं करना है ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर। अगर आपके पास स्टिक्स हैं क्लीन करने के लिए तो ठीक है, अगर आपके पास कॉटन स्वैब्स हैं पोविडिन आयोडीन में भीगे हुए तो आपको अपने डोमिनेंट हैंड में फोर्सेप लेकर उसे पिकअप करना है। क्लीन यूरेथ्रल ओरिफाइस टू एनल ओरिफाइस मींस फ्रंट टू बैक आपको क्लीन करना है। होल्ड द लुब्रिकेटेड कैथेटर एंड जेंटली पास इट थ्रू द यूरेथ्रा यूजिंग योर फ्री हैंड। इंसर्ट कैथेटर 5 to 7.5 cm, लगभग 3 in हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है। देन हमें बलून इन्फ्लेट करना है विद द रिकमेंडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूजली 10 to 15 ml। याद रखें, बलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमेशा स्टराइल वाटर का यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल सलाइन क्रिस्टलाइज हो जाती है एंड रिजल्ट इन कम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बलून। कैथेटर इंसर्ट हो जाने के बाद हमें ड्रेप्स को रिमूव कर देना है और कैथेटर को इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में टेप की मदद से सिक्योर कर देना है। हमें यूरोबैग को बेड रेल्स पे नीचे हैंग करना है सो दैट यूरिन कैन ड्रेन वाया ग्रेविटी।